हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। जितने भी हमारे आर्मी पर्सन है, सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उन सभी का इंतजार हो गया खत्म भाई। आर्मी पर्सन के जो 2024-25 का है फॉर्म 16 आना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म 16 आज से ही आना स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था 15 जून तक सभी के फॉर्म 16 आ जाएंगे, तो आज से आपके फॉर्म 16 आना स्टार्ट हो चुके हैं। 26 AS और AIS भी अपडेट हो गए हैं लगभग बंदों के, जिसके नहीं हुए हैं वो भी वेट करें, 30 तारीख तक लग के आप तक सभी के अपडेट हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो वेट करें। दूसरा, मैं आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रोस अमाउंट आप लोगों को 26 AS वाली देखनी है या फिर फॉर्म 16 वाली देखनी है, और फॉर्म 16 में आपकी अगर ग्रोस अमाउंट कम है, 26 AS में ज़्यादा है, तो आप लोगों को कौन सी ग्रोस अमाउंट उठा के आपको ITR फाइल करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहिए। बाकी आप लोग मिनिमम चार्ज में फुल मैक्सिमम रिफंड के साथ ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके बिल्कुल लीगल तरीके से CA के सुपरविजन में फुल अलाउंसेज के साथ आप लोगों का पूरा डिटेल डाटा भर के आपका ITR फाइल किया जाएगा। तो बने रहे वीडियो के साथ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो आपकी ग्रोस अमाउंट जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा 10,35,534 रुपये हैं, तो आपकी 26 AS में अगर 11 लाख है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 26 AS वाली अमाउंट उठाएं, क्योंकि फॉर्म जो आपका डाटा मैच होगा वो आपका 26 AS से मैच किया जाएगा जब आप ITR फाइल करोगे, न कि आपका फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 की आप अमाउंट भर दोगे और 26 AS में ज़्यादा दिखाएगा तो फिर आपका दोबारा से प्रोसेडिंग में क्या बोलते हैं, दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करना पड़ जाएगा, आपकी ग्रोस अमाउंट आप लोगों ने कम भरी है। तो आप 26 AS और AIS की जो है ज़रूर अपने फॉर्म 16 से मैच कर लें। अगर फॉर्म 16 में कम है, 26 AS में ज़्यादा है, तो ग्रोस अमाउंट 26 AS वाली उठाएँ। उसके बाद बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि सर, जो हमारा ITR रिफंड होता है वो हमारा मार्च से फरवरी तक होता है या फिर अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फॉर्म 16 में जो आपका 2022-23 का पैसा आया, कुछ अमाउंट इसमें दिखाई दे रहा है कि 1,39,497 रुपये 2022 का पैसा आया है इनका। उसके बाद 2023-24 में इनका जो अमाउंट आया है वो 1/3/2023 से लेके 29/2/2024 तक, ठीक है, मतलब यहाँ पे तीसरे महीने से लेके मार्च से लेके फरवरी तक का है जो डाटा, वो 8,96,037 रुपये है। तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया इनका 10,35,534 रुपये। तो ये आपका हुआ है, जो आपका सेशन पीरियड रहता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक रहता है, लेकिन जो आपका फॉर्म 16 में डाटा अपडेट रहता है वो आपका मार्च से लेके फरवरी तक का होता है। तो ये आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी कुछ भी डाउट रहता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछना है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपको कोई वो नहीं है कि भाई आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। ITR फाइल करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप करवा सकते हैं अपना ITR फाइल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रोस अमाउंट कैसे भरनी है आपके ITR में, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से भरना बेटर रहेगा या ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से भरना बेटर रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो आपकी टैक्स अमाउंट डिडक्टेड लिखी रहती है वो आपके 17 नंबर कॉलम में यहाँ पे दिखाई दे रहा, 60,144 रुपये आपका टैक्स कटा हुआ है, तो ये आप लोगों का है फॉर्म 16। तो इस बारे में मैंने आप लोगों को पूरा अपडेट दे दिया है। बाकी जितने भी है फॉर्म 16 जिसका नहीं आया उसका भी अपडेट आ जाएगा जल्द से जल्द, सबके फॉर्म 16 आ जाएगा। रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना चेक कर ले कि आपका फॉर्म 16 आया नहीं आया, अगर आ गया होगा तो अपना डाउनलोड करके अपना फटाफट से ITR फाइल करें, 15 जून के बाद आपके ITR का रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा सभी आर्मी पर्सन का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।